ग्रामर का पार्ट करेंगे राइट सी अंडरस्टैंडिंग न्यू कंस्ट्रक्शंस थ्रू रीडिंग तो ये जो न्यू कंस्ट्रक्शंस है क्या है वो वो है तुम्हारा लर्निंग आउटकम एंड व्हाट इज इट एज आई सेड इट इज ग्रामर पार्ट जैसे कि पास टेंस हो या सेंटेंस के टाइप है सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मेन क्लॉज क्या होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है एट्सेट्रा सो लेट इस कंटिन्यू नो वट टीचर्स आर गोइंग टू डू फॉर यू सी टीचर विल इंट्रोड्यूस द एक्टिविटी इन सिंपल लैंग्वेज they will tell you the importance of this activity. They will also encourage you, and then they will ask they will ask you to identify new constructions through reading. तो यहाँ पर हम जो reading करेंगे वो सिर्फ अभी comprehension that is story समझने के लिए नहीं करनी है. तो हमको उसका contextual you can say grammatical meaning या grammatical जो part है वो content समझ लेना है. सो सी वॉट आर यू गोइंग टू डू आपके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है एज़ यूजल यू विल रीड द पैराग्राफ केयरफुली यू विल पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड देन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ योर टीचर्स इफ़ रिक्वायर्ड नाउ सी आपको दी गई फर्स्ट एक्टिविटी क्या है आपको यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है जो आपके नाइन्थ में हुआ है सेकेंड लेसन आई होप यू रिमेंबर द फन दे हैड सी लेट इस रीड द पैराग्राफ मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, Today Tommy had found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. This story humko pata hai, Jo Margie ki lesson, Margie ya Margi ki lesson, a story humne hai, the fun they had. It is all about futuristic aspects. यानी फ्यूचर में शायद हमारे स्कूल्स ऑनलाइन हो सकते हैं हम घर बैठे अपने कंप्यूटर्स पे या हमारे घर पे जो टीवी कनेक्टेड रहेगा उस बड़े स्क्रीन पर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं सो हमको उस टाइम में लिया गया लेके जा गया है कि टू जिस टाइम मार्गी अपने घर पर क्या कर रही है ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है और उसके टीचर दूसरे को नहीं बट कंप्यूटर पर या फिर स्क्रीन पर आने वाले एक वॉइस है राइट देन फर दस वक्त उसको एक रियल बुक मिलती है जो आज हमारी असली बुक्स है दैट वी आर रीडिंग वी यूज़ इट इन स्कूल वी यूज़ द बुक्स तो यहाँ पर वो चौक जाती है ये सुनकर कि किसी ज़माने में स्कूल में बच्चे जाते थे और स्कूल में पेपर से बनी हुई किताबें पढ़ते थे बिकॉज मार्गी के टाइम पर ये सब नहीं है देन फर दर्न द पेजस जब उनको बुक मिलती है वो उसको टर्न करते खोलते हैं तब तो पेपर्स कैसे होते हैं पूरे येल्लो और क्रिंकली एकदम चूरे हुए पीले पड़े राइट इट वॉज़ ऑ ऑलफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूल स्टिल इन स्टिल इन स्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर टर्न बैक टू द पेज बिफोर यानी उनको ऐसा लगा कि जैसे यूजली अभी देखें आप स्क्रीन पर जब पढ़ते हैं स्लाइड करते जाएंगे तो क्या होता है पढ़ते पढ़ते एक एक वर्ड नज़र के सामने से आपके हट जाता है और अगला वाला वर्ड या पेज आपके सामने स्क्रीन पर हट जाता है बट वेन यू टर्न बैक जब आप पीछे जाते हो तो रैंडमली वो पेजेस चेंज हो जाते हैं ये सोनो तो यहाँ पर मार्की ये देख कर जाती है कि अरे ये किताबें पन्ने पलटेंगे जैसे टेन नंबर पेज पर पे जो वर्ड्स है वो वहीं पर बाकी है बचे हैं बाद में वापस मैं फिफ्टी नंबर पेज पे जाती हूँ तो वहाँ पर वही पेज मौजूद है इट इज़ नॉट चेंजिंग रैंडमली जैसे स्क्रीन पर होता है यूजली आप यूट्यूब वगैरह सर्च करते हैं आपको दिखता है कभी भी आप सर्च करो आपको वही ऑर्डर में सब नहीं आता है फट से वो सब क्या होता है अल्टीमेटली चेंज हो जाता है रैंडमली चेंज होता है तो यहाँ पर वो कहती है जैसे हमारे टाइम पर यानी उनके वक्त टू में सब जो चेंज होता है वैसे उस ज़माने में पुराने ज़माने में नहीं था इनफैक्ट वो जो बुक्स है वो बुक पर जिस पेज पर जो पढ़ा है जहाँ पर पढ़ा गया है वो उसी लाइन पे वो वर्ड है और उसी पेज पर वो इंटैक्ट है जैसे कि तैसा है ये वर्ड्स अपनी जगह नहीं बदलते राइट तो ये आपको पैराग्राफ दिया गया है और इसके बाद आपको एक्टिविटी ये है कि आपको इसमें से क्या ढूंढना है मेन क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज सिंपल पास टेंस इन्फिनेटिव एक्सक्लोमेटरी सेंटेंस फाइनाइट वर्ब्स सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस नाउ यहाँ पर आपको ये सब आई नो दैट यू हैव लर्न अब नाइन्थ स्टैंडर्ड तक आपने ये सब पार्ट पिया किया है लेकिन बिफोर ये एक्टिविटी करने से पहले हम हल्का उसका रिविजन करते हैं लेट सी आप सबको ही पता है फिर भी सिंपल पास टेंस आप कैसे पहचानते हैं जहाँ पर एक्शन का वर्ड का वी टू फॉर्म होता है जैसे कि प्ले का होता है प्लेड गो का होता है वेंट राइट रोट फ्लाई फ्लू होता है गिव का होता है गिव तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे सिंपल पास टेंस में यानी कि आई प्लेट क्रिकेट येस्टर्डी कल मैंने क्रिकेट खेला या खेली माई पेरेंट्स वेंट टू द मार्केट मेरे पेरेंट्स मार्केट गए दे रोट अट उन्होंने एक लोट नोट लिखी द क्रो फ्लू हाई आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर पानी के पीने के बाद कौवा उड़ गया दे गेव मनी एज हेल्प उन्होंने मदद के तौर पर पैसे दिए राइट right? सो so, यहाँ पर ये यह हो गया सिंपल पास टेंस यानी यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते सिर्फ मेन वर्ब जो है वो क्या होता है वी टू फॉर्म होता है राइट मेन एक्शन वी टू फॉर्म में दी जाती है देन इसको कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास टेंस आई एम सॉरी नेक्स्ट रिविजन कर रहे हैं हम लोग मेन क्लॉज आप कैसे पढ़ते हैं मेन क्लॉज पहचानना बहुत आसान रहता है मेन क्लॉज यानी जो सेंटेंस खुद ब खुद मेन क्लॉज यानी वो क्लॉज वो अपने आप पूरा होता है वो इनकम्प्लीट नहीं रहता है कम्प्लीट होता है जैसे कि द स्कूल स्किल स्कूल री ओपन हो गए द टीचर इंस्ट्रक्टर द स्टूडेंट्स टीचर ने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दिए फिर उसके बाद है सबॉर्डिनेट क्लास कैसे पहचानना है तो देखो वही सेंटेंस आगे बढ़ाएंगे कि इसमें सबॉर्डीनेट और मेन क्लॉज वापस मैंने अभी आपको बताया द स्कूल स्किल द स्कूल रीओपन यानी स्कूल खुल गई मेन क्लॉज है इसको किसी की ज़रूरत नहीं पूरी होने के लिए द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स इन दोनों को भी किसी दूसरे वर्ड की या क्लॉज की मदद की ज़रूरत नहीं है वो खुद बखुद पूरे होते हैं इसके लिए इनको कहा जाता है मेन क्लॉज फिर आगे दिया है सबॉर्डिनेट क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज यानी क्या ये आगे का जो हिस्सा है ना वेन वन ऑल द स्टूडेंट्स वर वैक्सीनेटेड जब सारे बच्चों को वैक्सीनेट दिया गया या वैक्सीनेशन किया गया तो यहाँ पर देखो पहले इसमें क्या बताया है जब उन बच्चों को वैक्सीनेशन दिया गया यानी स्कूल खुली कब खुली जब उनको वैक्सीनेशन दिया गया बच्चों को तो यहाँ पर पता चलता है कि जब बच्चों को वैक्सीनेशन दिया गया अधूरा लग रहा है ना वेन ऑल द स्टूडेंट्स वर वैक्सीनेटेड जब सारे बच्चों को वैक्सीनेशन दिया गया तब क्या हुआ राइट right? इसका मतलब ये क्या हो गया सबॉर्डिनेट लॉस राइट वेन क्योंकि इसकी शुरुआती क्या है एक कंजंक्शन से हुई है याद रखो सेकेंड द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टीचर ने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दिए उसके मानी पूरे होते यस कोर्स yes, आगे दिया है दैट दे शुड वेयर मास्क के उन्होंने मास्क पहनने चाहिए के उन्होंने मास्क पहनने चाहिए ये किसी ने बताया है ये सौ न तो ये किसने बताया है तो ये इन्होंने बताया है यानी जब तक हम ये लिखेंगे नहीं मेन क्लॉज तब तक हमारा ये वाला सबॉर्डिनेट क्लॉज इसके मानी पूरे नहीं होते अंडरस्टूड सो रिमेंबर मेन क्लॉज वो होता है जिसको जो खुद ब खुद अपने मानी पूरा करता है द स्कूल रीओपन जिसमें सब्जेक्ट रहता है जिसमें वर्ब रहता है राइट right? पॉसिबल हो तो ऑब्जेक्ट भी रहता है जैसे कि यहाँ पर भी है द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स इसके मीनिंग खुद ब खुद अपने टाइम पे पूरे होते हैं अपने अपने आप से पूरे होते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी कंजंक्शन जो रहता है ना ये वाला इसकी वजह से वो क्या होता है अधूरा होता है इसके लिए उसको क्या कहते हैं सबॉर्डिनेट क्लॉज इसके लिए ये हो गया सबॉर्डिनेट क्लॉज और यहाँ पर भी ये हिस्सा हो गया सबॉर्डिनेट क्लॉज अंडरस्टूड नेक्स्ट आगे बताया गया आपको इनफाइनाइट वर्ब क्या है और फाइनाइट वर्ब क्या है अभी इनफाइनाइट वर्ब कैसे बताती हूँ इनफाइनाइट वर्ब पहचानना या इन्फिनेटिवस बोलते हैं उसको पहचानना बहुत आसान है इसके शुरू में टू लगता है या तो फिर डायरेक्ट वी लगता है मतलब बेस फॉर्म जैसे कम गो प्ले सी एट्सेट्रा राइट तो यहाँ पर देखो पहले लाइन में क्या है वी प्लान टू गो टू द मार्केट यहाँ पे दिख रहा है टू गो दे वॉन्ट टू बाई चॉकलेट्स टू बाई शी लाइक्स टू सिट ऑन द फर्स्ट बेंच टू सिट द ट्रेन विल बी लेट टू रीच द स्टेशन टू रीच यानी यहाँ पर इनफाइनाइट वर्ब मैंने बताई उसका कैसे पहचाना उसको या तो वो टू से शुरू होते हैं या फिर उसको वी वन का वी वन का मेन फॉर्म रहता है फिर फ़ाइनाइट वर्ब में क्या फ़र्क है इनफाइनाइट और फाइनाइट वर्ब में आखिर क्या फ़र्क है याद रखो अभी यहाँ पर देखो यहाँ पे हमने देखा टू गो है टू बाय है टू सिट है टू रीच भी है लेकिन उसी सेंटेंस में कुछ और वर्ब्स भी मौजूद है जैसे यहाँ पे प्लांट वॉन्ट लाइक्स एंड विल बी ये सोनो तो ये जो चार है ना इनको कहा जाता है फ़ाइनाइट वर्ब क्यों भला इनको फाइनाइट वर्ब बताया जाता है क्योंकि यहाँ पर टेंस सब्जेक्ट इसके हिसाब से ये वर्ब्स क्या होते हैं चेंज होते हैं जैसे कि देखो यहाँ पर क्या हो गया वी पास टेंस प्लान दे सिंपल इन्फिनेटिव या सिंपल इनडिफिनेट टेंस है वॉन्ट शी सिंपल टेंस लाइक्स द ट्रेन फ्यूचर टेंस विल बी लेट राइट तो यहाँ पर क्या हो गया सब्जेक्ट के मुताबिक या फिर टेंस के मुताबिक जो वर्ब्स अपना फॉर्म चेंज करते हैं कभी पास टेंस में होता है कभी फ्यूचर में होता है कभी सिंपल टेंस में उनको कहा जाता है फ़ाइनाइट वर्ब राइट क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड है फाइनाइट यानी फिक्स है ये आया तो उनका ये होना है ये आया तो उनका ये होना है ओके बट इनफाइनाइट का ऐसा नहीं होता इनफाइनाइट में या इन्फिनीस में तुम कुछ भी करो देखो यहाँ पे पास टेंस में सेंटेंस है फिर भी टू वो बदला क्या नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस है लेकिन फिर भी देखो टू बाय या टू सीट बदला नहीं बदला फ्यूचर टेंस आया विल बी फिर भी टू रिच बदला क्या नो no. तो इसके लिए इसको कहा जाता है इन्फीना इनफाइनाइट या इन्फिनेटिव क्योंकि ये वर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस में जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट के साथ आएंगे या किसी भी टेंस में आएंगे तो भी वो बदलते नहीं इसके लिए उनको इन्फाइनइट कहा जाता है आई होप यू अंडरस्टूड नेक्स्ट देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानना बहुत आसान है जो सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं और उसके लास्ट में क्या होता है देखो ऑक्सिलरी वर्ब आता है लास्ट में और एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क हाउस टू फिट यू आर एक्सक्लेमेशन मार्क राइट नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस पहचाना और इसमें आसान है इसमें सब्जेक्ट होता है वर्ब होता है और अगर पॉसिबल हुआ तो ऑब्जेक्ट भी होता है उसके ऊपर कुछ नहीं एक सब्जेक्ट एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता जैसे कि वी एट आइसक्रीम ऑब्जेक्ट आया द बर्ड्स फ्लाई ऑब्जेक्ट नहीं आया सो सिंपल सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर क्या है वन सब्जेक्ट एंड वर्ब वन वर्ब कंपलसरी है ये हो गया सिंपल सेंटेंस फिर कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस में याद रखो इसमें दो अलग अलग क्लॉजेस रहते हैं जैसे यहाँ पर ये देखो सब्जेक्ट दे वेंट वर्ब एंड टू स्कूल ये क्या है कॉम्प्लीमेंट है वैसे आगे देखो दे सब्जेक्ट रोट वर्ब देर एग्जाम ऑब्जेक्ट यानी यहाँ पर भी एस वी सी आया एस वी आया यहाँ पर भी एस वी ओ इन दोनों को मीनिंग क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं लेकिन उन दोनों को जोड़ा गया है एंड या आगे देखो वी थ्रू द बॉल बट इट गॉट लॉस्ट बट द बेल रैंक सो द स्टूडेंट्स क्लोज द डोर सो यानी दो अलग अलग क्लॉजेस को जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है मेन क्लॉजेस है मेन क्लॉज जो क्या है खुद ब खुद कंप्लीट होते हैं उन दो क्लॉजेस को एंड बट सो ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है राइट right? यानी अगर हम निकाल देंगे तो भी उनके मानी पूरे होते क्लियर सो so, यहाँ पर उनको कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंसेस तो कंपाउंड सेंटेंस का रूल क्या है कि कंपाउंड सेंटेंसेस में दोनों क्लॉजेस मेन क्लॉजेस होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं उसके बावजूद उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है उनको अलग भी किया जा सकता है इसे कहता है कंपाउंड सेंटेंस फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज लिटिल डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी क्या होता है देखो दोनों सेंटेंसेस में दोनों हिस्सों में सब्जेक्ट हो सकता है वर्ब भी हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है बट एक क्लॉज मेन रहता है और दूसरा क्लॉज सबॉर्डिनेट इसमें एक से दो भी हो सकते मेन क्लॉज सबॉर्डिनेट भी एक से दो हो सकते हैं रिमेंबर राइट जैसे कि यहाँ पर देखो टीचर अप्रिशिएटेड मी टीचर ने मेरी तारीफ की वेन आई आंसर्ड करेक्टली जब मैंने सही से जवाब दिया यानी यहाँ पर टीचर ने मेरी तारीफ की यह हो गया मेन क्लॉज इसको ज़रूरत नहीं किसी और चीज़ की टीचर ने मेरी तारीफ़ की काफ़ी है ना मेन सेंटेंस हो गया मेन क्लॉज हो गया लेकिन वेन आई आंसर्ड करेक्टली जब मैंने सही जवाब दिया इसका मतलब क्या है यहाँ पे वेन ये जो सबॉर्डीनेटिंग कंजंक्शन है इसने क्या किया इस दूसरे क्लॉज को इसके साथ जोड़ दिया तो ये हो गया सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसके लिए यहाँ पर क्या हो गया है वो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन की वजह से यहाँ पर ये यह हो गया सबॉर्डिनेट क्लॉज सेम ईयर नोमान विजिटेड। नोमान ने एक पैलेस विजिट किया नोमान विजिटेड द पैलेस नोमान ने एक पैलेस में विजिट किया विच वॉज इन पैरिस नोमान ने एक पैलेस को विज़िट किया करेक्ट मेन क्लॉज अभी आगे है विच वॉज इन पैरिस जो पैरिस में था अभी हमको समझ में आ रहा यहाँ पे विच क्या है सबॉर्डिनेट कंजंक्शन जो ज्वाइन करता है किसको वॉज इन पैरिस इसके लिए हो गया सबॉर्डिनेट क्लॉज अंडरस्टूड इज इट क्लियर तो अभी इसी तरीके से हमने जो भी प्रैक्टिस की है उस तरीके से आपको मेन क्लॉज तो अभी आपको क्या करना है आपको जो मार्गी का लेसन दिया है पैराग्राफ उसमें से मेन सबॉर्डिनेट क्लॉज सिंपल पास टेंस के सेंटेंस इन्फिनेटिव फाइनाइट वर्ब्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस ढूंढ के निकालने हैं ओरली मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी लेट अस रिवाइज सी यू मार्गी इवन रोड फर्स्ट डे को टॉमी फाउंड अ रियल बुक एक्सक्लमेशन मार्के यानी ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सिंपल पास टेंस आगे दिखता है इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक सिंपल पास टेंस देन बताया गया है मार्गीज ग्रैंड फादर वंस सेट दैट

वेन ऑल द स्टोरीजेड ऑन पेपर यानी यहाँ पे आपको अंदर के अंदर कितने सारे सबॉर्डनेट क्लॉजेस मिल रहे हैं सो ये हो गया आपका कॉम्पलेक्स सेंटेंस देन सेकेंड आपको फर्स्ट सेंटेंस गॉर्प से देखो मार्गीव रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डेरी इन हर डायरी यहाँ पे आपको रोड मिल रहा है ये क्या हो गया आपका ये जो रोड है ये क्या है फाइनाइट वर्क ये सोनो फाइनाइट वर्क मिल गया हमको यहाँ पर देन सीधे लास्ट पेज They were turned back to the page before it had before it had the same words on it that it had when read at the first time. Maybe one a complex sentence Then see here, it was awfully funny to read words. To read. What happened? infinitive. infinite. See, they turned the yellow pages.

They found a string of diamonds which seemed to be exactly what they were looking for. तो ये भी आपकी एक ऐसे ही एक्टिविटी है आप होप आपको याद है हमारा लेसन द नेकलेस नाइन्थ स्टैंडर्ड का तो यहाँ पर जब वो मिसेस लेडी वो जो लेडी जो भी रहते हैं वो जब अपनी स्ट्रिंग घुमाते गुम, हैं तब तो वो एक उसकी लाइक उसको रिप्लेस करने के लिए जा रहे हैं सो यर इन पैलेस रॉयल दे फाउंड स्ट्रिंग ऑफ डायमंड एक डायमंड की ऐसी माला मिलती है जो सेम एग्जैक्टली वैसे ही रहती है जो उनसे खो चुकी होती है बट इट वॉज़ वर्थ फोर्टी थाउजेंड फ्रैंक्स उसकी कीमत थी फोर्टी थाउजेंड फ्रैंक्स लेकिन वो दे कुड हैव इट फॉर थर्टी सिक्स पर वो थर्टी सिक्स थाउजेंड में उनको मिल सकती थी सो दे बैग द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर थ्री डेज उन्होंने रिक्वेस्ट किया वो ज्वेलर से कि तीन दिन तक वो ना बेचे एंड दे मेड एन अरेंजमेंट दैट देट हुक इट बैक फॉर थर्टी फोर थाउजेंड फ्रैंक्स इफ द अदर नेकलस वॉज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुरी ऑल्सो उन्होंने कंडीशन रखे थे कि अगर फेबर तक उनका औरिजिनल नेकलेस उनको मिला तो वो नेकलेस थर्टी फोर थाउजेंड तक उनको वापस से बेच भी देंगे राइट right? तो ये स्टोरी है वो न इसके ऊपर कौन से क्वेश्चन है देखो आपको एग्जाम्पल दिया है कि इसमें सबॉर्डिनेट क्लास क्लॉज क्या है ढूंढो सी हियर इन अ शॉप एट द रॉयल रॉयल प्लेस पैलेस पैलेस रॉयल दे फाउंड अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड विच सीम टू बी एग्जैक्टली वॉट वर लुकिंग फॉर यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है ये क्या है सबॉर्डिनेट क्लॉस ये सो नो देन ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द नॉन फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या होता है देखो नॉन फाइनाइट वर्क टू सेल टू लगा इसको ऐसा नो थोड़ा थोड़ी आपको, I hope आपको आई होप आपको आइडिया आई होगी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देन उसी के बाद आपको दिया गया ऐसे कुछ पैसेजेस आपको दिए जाएंगे ना आपको देखो मैंने आपको पैसेजेस तो नहीं दी हूँ लेकिन फिर भी मैंने कुछ एक्सरसाइज आपको अभी करवाई तो आप इस तरीके से क्या करेंगे कोशिश करेंगे कि एक नया पैराग्राफ लेके उस पर बेस्ड नीचे दिए हुए क्वेश्चन आपको जो आपको जब पूछे गए थे सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कम्पाउंड ऐसे ढूंढ आप कर सकते हैं अदरवाइज सिंपली आई वुड सजेस्ट कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं वो आप लिख के लो पढ़ो और लिखो वीडियो एक दो बार सुनो सो दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट ओके देन फर्दर इसी तरीके से आपको क्या है सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस को भी समझ में आया कि कैसे ढूंढने हैं इन्फिनेटिव वर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं वेरी सिंपली यू हैव गॉट इट मेन क्लॉज कैसे पहचानना है सबोर्डिनेट क्लॉज कैसे है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या रहते हैं सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स ये भी आपको आइडिया आ गई ना इसी पे बेस्ड थोड़ा सा आगे जाके हम दूसरे एक्टिविटी भी करेंगे देन आपकी आइडिया जो भी आपका ग्रासपिंग है या जो भी आपका कंसेप्शन है जो आइडिया आपको समझ में आई है, है और क्लियर होते जाएंगे दैट्स इट फॉर द डे सी यू नेक्स्ट वीक विथ नेक्स्ट वीडियो हैव अ गुड डे